हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिडजेट अकेडमी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में। आप यहां पर देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस तरीके से आपने स्कोर किया है। यहां पर आप अपने स्कोर को चेक कर सकते हो। ये कट ऑफ मार्क्स जो हमने आपको बताने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मार्क्स को देखते हुए हैं। वैसे तो अभी तक एयरफोर्स ने अपने कट ऑफ मार्क्स के बारे में जो कितने नंबर लाने हैं किस सब्जेक्ट में अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है, पर आज हम आपको बताने वाले हैं पुराने पैटर्न के अनुसार और नया जो सिलेबस पैटर्न आ रहा है वो किस तरीके से आपके कट ऑफ मार्क्स को बढ़ाया घटा सकता है। तो देखते हैं, अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम इस तरीके से था कि फिज़िक्स, पहले आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आपका हुआ था मैथ का, उसके बाद हुई थी आपकी इंग्लिश, और उसके बाद हुआ था आपका रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रागा। अब क्या था, जो फिज़िक्स का था उसमें से 25 क्वेश्चन और आपके पास थे 20 मिनट्स। मैथ का जो पेपर था उसमें भी 25 क्वेश्चन थे और आपके पास थे 20 मिनट। इंग्लिश का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन थे 20 और आपके पास थे 20 मिनट्स। रागा का जो पेपर था उसके लिए आप उसमें से 30 क्वेश्चन और आपके पास थे 25 मिनट्स। 25 मिनट्स टाइम बहुत ही कम था एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, बच्चों की तैयारी को देखते हुए एग्जाम का जो समय था वो बहुत ही कम था। अब पिछले ईयर की बात करें तो कट ऑफ मार्क्स अगर बच्चों के देखे जाएं, जो उन्होंने हमें बताया है, हमने उनसे बातें की हैं, हमारे यहाँ से बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनके मार्क्स लगभग लगभग इंग्लिश में थे हर बच्चे के 50+। ये याद रखिए कि एयरफोर्स जो एग्ज़ाम कराता है उसमें मेन जो होता है, मेन जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब है आपको जीडी में भी फ़ायदा होने वाला है इसका। जीडी में आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, जीडी में इसका एक आपको प्लस पॉइंट मिलेगा अगर आपके इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे हो। अगर आप 50+ स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। किस में हो? सेफ जोन में। अगर आपके मार्क्स इंग्लिश में 50+ आ रहे हैं तो आप सेव कर रहे हो, क्योंकि इस साल का पेपर जो इंग्लिश का था वो मॉडरेट लेवल का था, ना टफ था ना ज़्यादा इजी था। इजी उनके लिए था जो पिछले 2 सालों से दे रहे हैं एग्ज़ाम और इन्होंने तैयारी थी। कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने तैयारी नहीं कर पाए थे, वो इसलिए नहीं कर पाए थे तैयारी, उन्होंने फॉर्म तो भरा था, वो इसको देखते हुए रहा था कि पिछले साल जो कट ऑफ रही थी वो 75 थी, इस साल जो कॉल लौटे हैं वो हैं वापस हुए हैं वो 60 पर हो गए हैं, इसलिए कुछ बच्चों ने तैयारी नहीं की थी, फॉर्म डाल दिया था। अब उसको देखते हुए इस साल जो कट ऑफ मार्क्स इंग्लिश में रहेंगे वो रह सकते हैं 50+। आपने अगर 50 के लगभग स्कोर किया है तो आप सेफ जोन में हो, क्योंकि इसमें सबसे मेन है पहले इंग्लिश, इंग्लिश मेन है इसमें, इंग्लिश के बाद आता है बात। वाई ग्रुप में हम बात करें, अगर वाई ग्रुप में जिसने एग्ज़ाम दिया है तो वाई ग्रुप में आपने 2 एग्ज़ाम हुए आपके, वाई ग्रुप में एक तो आपकी इंग्लिश हुई और एक आपका रागा हुआ। रागा इसमें तो आपको 50+ स्कोर करना है और इसमें आपको 20+ स्कोर करना है, इससे का मतलब है आपको 45-50। इंग्लिश जो हुई थी वो आई थी आपकी 20 की और रागा का जो हुआ था आपका हुआ था 30 का। 50 में से आपको स्कोर करना है, इसमें आपको करने 50+ और इसमें आपको करने 20+, तो आपका स्कोर होता है 35+, मतलब 70%। अगर आप रागा में रागा और इंग्लिश को मिलाकर आप 35 कट ऑफ कर रहे हो, आप याद रखिए पिछली साल जो कट ऑफ रही थी हमारे जो स्टूडेंट्स ने बताया है उनके अनुसार वो कट ऑफ रही थी आपकी, कट ऑफ रही थी वो
30+ रही थी, ये याद रखिए आप, 30+ रही थी। इससे को देखते हुए इस साल काफ़ी बच्चों ने एग्जाम दिया है, इसको देखते हुए इस साल कट ऑफ रह सकती है 35+, ये याद रखिए आप, कट ऑफ 35+ रह सकती है। इसीलिए आपको अच्छा स्कोर करना था, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आपकी कट ऑफ रहेगी 35। अगर हम बात करें एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप में फिजिक्स का हुआ था 25 मार्क्स का, मैथ का हुआ था 25 मार्क्स का, इंग्लिश इसमें कॉमन थी 20 का, इंग्लिश में इसमें 20 की। अगर आप इसमें 18 नंबर्स कर रहे हो, इसमें भी 18 कर रहे हो, प्लस 18+ 18+, और इसमें आप कर रहे हो 15+, तो आप सेफ जोन में हो और आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर मैं इनको देखूँ 18 18 और 15 को, तो मेरा स्कोर हो जाता है, वो हो जाता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से स्कोर हो जाता है मेरा 51%। कितना हो जाता है? 50 50 नंबर्स। कितने मार्क्स हो जाते हैं? 50 मार्क्स। अगर आप जो एक्स का जो एग्जाम होता है वो था 70 का, अगर आप उसमें से 50+ स्कोर कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली हो चुका है, 50+ पर आपका स्कोर हो चुका है। पिछले साल की जो यहाँ से स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया था वो था 45+, 45+ पर कट ऑफ कटी थी, 45+ पर। अब इस साल जो होगा कुछ उस तरीके से है, वो रहेगा 50+, 50+। इसमें आपको 15 नंबर तो इंग्लिश में लाने ही लाने हैं, आपको मैथ में 18+ होना चाहिए, ये आपको सेफ रखेगा, इससे कम भी हो सकता है, दो दो नंबर, और 18+ इसमें होना चाहिए मैथ में और फिजिक्स में, ये आपके डेफिनेटली सिलेक्शन है। इसीलिए आप अगर इतना नंबर स्कोर कर रहे हो एक्स ग्रुप में 50 नंबर, तो आप GD की तैयारी कर लीजिए, आप फेज टू की तैयारी में जुट जाइए, अगर आप 50 का स्कोर कर रहे हो। ये थे एक्स ग्रुप में, एक्स ग्रुप में आपको 50 का स्कोर कर रहे हो तो आप सेकंड फेज के लिए तैयार रहिए। अगर आप वाई ग्रुप में, अगर वाई ग्रुप में आप 35 का स्कोर कर रहे हो, तो आप भी सेफ जोन में हो, आप भी सेकंड फेज के लिए तैयार हो जाइए। सेकंड, अगर आपके इंग्लिश में 15 नंबर होने चाहिए। अब एक बात आपको बतानी जरूरी है कि इस एयरफोर्स के एग्जाम में इंडिविजुअल पास होना भी ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क्स जरूर लाने हैं। पासिंग मार्क्स का मतलब है 10 इंग्लिश में, 15 मैथ में, 15 फिजिक्स में, और 18 रागा में, ये नंबर आपको लाने हैं, ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, आपको पास करा देंगे ये नंबर। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप पास हो सकते हो। अगर हम बात करें बोथ की, जिन्होंने एक्स प्लस वाई दोनों का दिया था, उनका सिलेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, उनका 50 इसमें होना चाहिए और 35 इसमें होना चाहिए, 85 उसके मार्क्स होने चाहिए 100 में। किसमें से आप 85 का स्कोर, इसमें से आपका 85 होना चाहिए। अगर जिन्होंने एक्स वाई का दिया था उनके टोटल थे 100 नंबर और उनका 85 स्कोर होगा, तो वे बोथ में सेलेक्ट होंगे। अगर उसने किस में अच्छा स्कोर किया उसके हिसाब से उसकी प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर आप इंडिविजुअली एक्स में पास होते हो, अगर वाई में फेल होते हो, तो आपको एक्स में ले लिया जाएगा। अगर आप एक्स में फेल होते हो, वाई में पास होते हो, तो आपको वाई में ले लिया जाएगा। इस तरीके से आपको सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप इसका टॉप मार्क्स से कुछ हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। अगर आप को अच्छा लगे ये वीडियो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। ये चैनल आपको GD की तैयारी भी कराएगा बहुत जल्द, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं, एक्स में आपका स्कोर होना चाहिए 50,
प्लस, वाई में आपका स्कोर होना चाहिए 35 प्लस। अगर आप बोर्ड में नंबर चाहते हो तो आपका स्कोर होना चाहिए 85 प्लस। इस तरीके से आपको नंबर लाने हैं। अगर आपका इस तरीके से स्कोर है तो आप सेकंड फेज की तैयारी करिए, जरूर करिए सेकंड फेज की तैयारी, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।